तो मैं आपको थोड़ा सा एक इंशाल्लाह पर्सपेक्टिव देता हूँ। ये देखिए, आप डेयरी मिल्क, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं खा सकते, हराम है, बट थोड़ा सा सोचें कि डेयरी मिल्क में जो शुगर है वो 56 ग्राम है। इसकी जो शुगर की वैल्यू है, ये यहाँ पर कहाँ पर लिखी हुई है, कहीं पर लिखी हुई है, कार्बोहाइड्रेट्स तो 56.5 ग्राम, ऑफ विच शुगर शुगर इज 56 ग्राम इन अ डेयरी मिल्क। और लेट मी आस्क यू, हाउ मच ग्राम्स इन अ टी स्पून, एक टी स्पून में कितने ग्राम शुगर आ जाती है? 4.2 ग्राम्स इन 1 टी स्पून, विच मीन्स 14 चम्मचे शुगर जो है वो डेयरी मिल्क में, कि 14 चम्मचे। जब आप डेयरी मिल्क की पूरी एक बार खा जाते हैं तो आप समझें कि 14 चम्मचे चीनी के आप खा गए। ओके, अब शुगर के जो असरात है बॉडी पे वो फिर आपको पता है। कंपेयर इट विद अ बनाना, एनर्जी 89 कैलोरी है, प्रोटीन 1.1 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट्स 23 ग्राम है, टोटल फैट 0.3 ग्राम है। मैंने पूरा आपको उसका इंग्रेडिएंट्स जो है वो खोल कर दिखा दिए कि बनाना ये है। कंपेयर इट विद द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ बनाना, ये सारे हेल्थ बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। हेल्प्स क्योर किडनी डिसऑर्डर, प्रोवाइड्स रिलीफ फ्रॉम स्टमक अल्सर, एड्स इन ट्रीटिंग पाइल्स, प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, वगैरह वगैरह, बहुत से और भी बहुत से फायदे हैं। एप्पल, कंपेयर एप्पल विद डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क क्या है? अल्लाह ताला की क्रिएशन के सामने यकीन करें, आप एक एप्पल की बाइट लें और डेयरी मिल्क की बाइट लें और आपको अगर फर्क महसूस ना हुआ खालिस चीज का, अल्लाह ताला की चीज का, और अल्लाह ताला जैसी चीज कोई नहीं बना सकता जो अल्लाह ने बनाई है। अगर एप्पल के बीज में जमीन में बोऊंगा वो नया पौधा निकल आएगा, खजूर का बीज फेंकता हूँ नया पौधा निकल आएगा, ये अल्लाह की क्रिएशन। डेयरी मिल्क का रैपर दफन करूंगा कुछ भी नहीं निकलेगा। ओके, ऑब्वियस सी बात है। तो ये अल्लाह की क्रिएशन कंपेयर टू दी क्रिएशन बाय ह्यूमन काइंड कुछ भी नहीं है, खालिस है। बनाना को हमसे पहले कितने लोगों ने हाथ लगाया अंदर से? जीरो, वो तो छिलका चढ़ा हुआ। पर डेयरी मिल्क को पता नहीं कहाँ कहाँ से वो आई है और किस किस प्रोसेस से गुजरी है। एनीवे, आप समझेंगे डेयरी मिल्क का बहुत ही खिलाफ हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं, खा सकते हैं चॉकलेट्स, लेकिन जाहिर है कि थोड़ा सा इंटेलिजेंट डिसीजन लें लाइफ में। फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट है, वाइटामिन सी है, पोटेशियम है। एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बड़ा फेमस कोट है। एप्पल्स आर गुड फॉर आयरन, बायोटिन, फाइबर एंड कैलोरीज, जबरदस्त। ये सुबह जो एप्पल लेता है वो बहुत एक्टिव रहता है। बेनिफिट्स ऑफ हनी, हनी तो इनडिस्प्यूटेबल, शहद के जितने मैं तारीफें यहाँ पे करूँ वो कम है और आपको बेहतर पता है। रिड्यूसेस अल्सर्स, ब्लड शुगर रेगुलेशन, प्रोबायोटिक है, ब्यूटीफुल एंड हेल्थी स्किन है, सूथ्स कफ्स है, बूस्ट मेमोरी, प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, एंटी बैक्टीरियल है, ट्रीट्स वूंड्स एंड हील्स बर्न्स, हील बर्न्स। ये एक वीडियो कोशिश करता हूँ, अगर चल जाए जरा ये वीडियो प्ले करेंगे आप? हो रही है प्ले? वहां प्ले का बटन आएगा। ये कोका कोला का सीईओ है, ये बैठा हुआ है एक इंटरव्यूअर के साथ और वो इंटरव्यूअर देखें इसको क्या करता है। खैर, वो शर्मिंदा हो जाता है, इसके पास जवाब कोई नहीं है उस चीज का। नहीं चल रही? प्ले का बटन आएगा, वहां वहीं पे क्लिक करें इसको ना। हाँ, यहाँ क्लिक करें, प्ले का बटन आएगा, वहां से नीचे नीचे प्ले का बटन आएगा। चले, कोई बात नहीं, अगर नहीं चल रही तो मैं बता देता हूँ। बहरहाल, ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई थी कि इंटरव्यूअर इससे कहता है कि हाउ मैनी शुगर साशे ऑफ शुगर आर इन और 1 ग्लास ऑफ कोका कोला जो सिनेमा में मिलता है। वो कहता है मे बी 4-5, तो उसे दिखाता है 24 साशे ऑफ शुगर इन 1 ग्लास ऑफ कोका कोला, 24 साशे शुगर के जो इतने साशे होते हैं। तो थोड़ा सा शर्मिंदा, वो कहता है हाँ वी नो इट, दैट्स वाई डाइट कोक आई है, उसमें 0 शुगर है। लेकिन वो इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहा कि आप इतनी शुगर क्यों वामो नास को जो आप पिला रहे हैं। तो कोका कोला इज डेफिनेटली, कोका कोला का मुकाबला कर लें मिल्क के साथ, शहद के साथ, जूसेस, फ्रेश जूसेस के साथ, तो कोई मुकाबला नहीं कोका कोला का, सवाल ही नहीं पैदा होता। जो इंग्रेडिएंट्स फ्रेश जूस में है, जो इंग्रेडिएंट्स अल्लाह की खुराक में, वो कहीं भी नहीं। और डाइट का बहुत रोल है, यकीन करें, ये प्रैक्टिकल बातें। डाइट का आपकी फिजियोलॉजी, आपकी मेंटल हेल्थ, ऐसे नहीं रसूल अल्लाह ने कहा। हजरत आयशा कहती हैं जब किसी घर में फौतगी होती थी
और गम का तो समा होता ही है ज़ाहिर फौतगी के बाद। तो अल्लाह के नबी कहते थे तलबीना पकाओ, फॉर वेरीली देर इज़ क्योर ऑफ डिप्रेशन इन तलबीना। सही हदीस सुना रहा हूँ आपको, तलबीना में डिप्रेशन और वरी और एंगजाइटी का क्योर है। डाइट का बहुत ताल्लुक है, सिरोटोनिन देता है तलबीना जो है। इसको मैंने ब्रेक डाउन किया था कि इसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है, तो सिरोटोनिन है। सिरोटोनिन हैप्पीनेस का केमिकल, इट बूस्ट योर मूड, सिरोटोनिन जो होता है। तो अल्लाह के नबी ने तो बता दी अपनी डाइट सारी, बयान है, तिब्बे नबी है, सब कुछ है। तो हमारे घरों में वो कितनी मौजूद है, ये क्वेश्चन है टू